नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। मित्रों, आज का विषय है गौमूत्र किसे नहीं लेना चाहिए। मेरे पास प्रतिदिन अनेक प्रकार के लोग आते हैं और वो पूछते हैं, मनीष भाई, कि गौमूत्र क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या हमारे को फलाना फलाना रोग है तो क्या हमें गौमूत्र नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो ये लोग जिनको शरीर में गर्मी है, या कहें कि जिनको पित्त के रोग हैं, पित्त के रोग भांति भांति के रोग होते हैं, पित्त में चमड़ी के जो सभी प्रकार के रोग हैं वो पित्त के रोगों में आता है, मूत्र में अधिक पीलापन होना, हृदय के अंदर छेद होना, इस प्रकार की बीमारियां पित्त के रोगों में आती है। यदि इस प्रकार के रोग किसी व्यक्ति को है तो मैं ऐसे व्यक्ति को कहना चाहूंगा कि कृपया आप गौमूत्र ना लें, और यदि फिर भी वे व्यक्ति गौमूत्र लेना ही चाहता है, उसका सेवन करना चाहता है, तो किसी विशेष एक्सपर्ट की से सलाह लेकर या एक्सपर्ट की जो समीक्षा करने के बाद ही आप गौमूत्र लें। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, आज का विषय यहीं पूरा होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा चैनल गौवेशाला वन, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी प्रकार की गौ माता से संबंधित जानकारियां और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां अपने इनबॉक्स में प्राप्त कर सकें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके क्लिक करें तो आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। धन्यवाद मित्रों।